नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा, और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान श्रीवर्धन त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एबीपी न्यूज़ चैनल पर जिनका आप कार्यक्रम रात को सनसनी के तौर पर आप देखते हैं, उन कार्यक्रम के एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत 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 धन्यवाद। दर्शकों, खुद आज रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब इस प्रकार की शख्सियत आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिवस पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से आप क्राइम के रिपोर्टर हैं, क्राइम की एंकरिंग आप करते हैं, किस प्रकार का माहौल नज़र आता है पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में? देखिए, सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं, हर क्षेत्र में जी, हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियाँ हैं, उनके अपने संघर्ष हैं, और उन्हीं संघर्षों उन्हीं चुनौतियों को आगे बढ़ करके और फिर सही तस्वीर को सामने लाना, ये पत्रकारिता का धर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी तस्वीर है, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो तस्वीर भी बदलती है जी। ठीक है, तो सही तस्वीर दिखाना नंबर एक। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता जो है वो एक तरह से समाज का प्रतिबिंब भी है। तो जो समाज में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो हो रहा है, और उसका प्रभाव जनमानस पर क्या पड़ रहा है, ये बताना हमारा धर्म है। कभी कभी इसमें यह भी करना पड़ता है कि कुछ तस्वीरें बड़ी धुंधली पड़ जाती हैं जी, वक्त की धूल उन पर चढ़ जाती है, लेकिन वो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनकी धूल वूल झाड़ करके उनको भी दर्शक को दिखाना पड़ता है कि असल तस्वीर ये है जी। सर, हमने मोस्ट वांटेड ऑफ इंडिया ऐसे को अनेकों एपिसोड देखे जहां जिनके जो एंकर कभी क्राइम की रिपोर्टिंग करते थे और वो खुद फिर उस क्राइम का हिस्सा बन गए। उस दौर में आप अपने आप को कहां, किस तरीके के किस मुकाम पर आप महसूस करते हैं, एक पत्रकार को किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखते हुए, क्योंकि ये क्राइम जो रिपोर्टिंग है बड़ा निर्भीकता का काम मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको थ्रीट भी आ सकती है, उस निर्भीकता कैसे श्रीवर्धन त्रिवेदी जी के अंदर वो निर्भीकता कहाँ से है? क्या उनको किसी प्रकार का कोई थ्रेट या कोई धमकी या कोई उनको डर किसी प्रकार सा नहीं लगता? क्या सत्य ही अटल सत्य है? सत्य ही अटल सत्य है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, सिर्फ पत्रकारिता क्यों है ना, या क्राइम रिपोर्टिंग क्यों जी? आज की तारीख में जो इंसान कोई काम नहीं करता, वो अपने घर पर बैठा हुआ है, क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है जी? नहीं है जी। तो वो व्यक्ति जो किसी से बात नहीं कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा, कहीं आ नहीं रहा है, वो सुरक्षित अगर नहीं है, तो वो व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बोल रहा है, जिसके कहने से चार दूसरों के बेशक खराब काम ही हो उनके या गलत काम ही हो, वो अगर बंद होते हैं तो किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा जी। जाहिर सी बात है, तो उसकी अलग तरह की चुनौती है, लेकिन वो सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं है जी, वो हर तरह की रिपोर्टिंग में है। रिपोर्टिंग अपने आप में मैं ये समझता हूँ बहुत साहसपूर्ण कार्य है जी, और इसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप टिके तभी रह सकते हैं जब आप ईमानदार हों जी। अगर आप झुक गए, अगर आप बेंड हो गए, अगर आप बिक गए, तो फिर ये मान करके चलिए, फिर वो कहावत है ना कि काजल की कोठरी में कैसो हु सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो अगर आपने उस तरफ अपना कदम बढ़ा दिया, तो फिर कहीं ना कहीं वो डेंट तो लगेगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जी तोड़ मेहनत करें, खूब अपने काम पर फोकस करें, मन लगा करके काम करें, और ईमानदारी का साथ कभी ना छोड़ें जी। सर, सर जैसे आपका 20 वर्षों का कठिन परिश्रम रहा है, निर्बाध तरीके से बिना कोई छुट्टी लिए आपने अपने सनसनी के शो को, चाहे आप किसी विषम परिस्थिति में हैं, चाहे वो कोई पारिवारिक समस्या में, फिर भी आपने अपने उस कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ा, उस तारतम्यता को नहीं छोड़ा। हम जानना चाहते हैं श्रीवर्धन त्रिवेदी जी से, व्यक्ति कभी अमर नहीं है, लेकिन उसका किया हुआ काम अमर होता है, वही बात पत्रकारिता में है। अगर आप निर्भीकता से और सत्य के लिए आप पत्रकारिता करते हैं, तो आपकी वजह से किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, और यदि आपकी पत्रकारिता में झूठ फरेब और कहीं जो आपने पैसे का जिक्र किया, अगर वो स्थिति आती है, तो मुझे लगता है त्रिवेदी जी, किसी न्याय मिलने वाले व्यक्ति को हम न्याय से वंचित भी कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने झूठ का साथ दे दिया, ठीक है, या आपने उन लोगों का साथ दे दिया जो
अन्याय करते हैं या जो न्याय के विरोधी लोग हैं, अगर आपने उनका साथ दे दिया तो जाहिर सी बात है जिनको न्याय मिलना चाहिए आप उनके साथ तो नहीं खड़े हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं, भटक जाते हैं जी। अगर आप किसी तरह के लोभ लालच में फंस गए, किसी तरह के प्रपंच में फंस गए, ठीक है, अपने थोड़ी सी स्वार्थ के खातिर अगर आपने अपने आप को अपना ईमान बेच दिया, तो फिर आप ना तो उतना साहस के साथ पत्रकारिता कर पाएंगे, ना आप न्याय के साथ और सत्य के साथ खड़े हो पाएंगे। तो अगर आप वो करते हैं और आपके कुछ करने से जी, अगर किसी को आपने अगर 100 लोगों के लिए किया, उसमें से अगर 10 भी लाभान्वित हो गए, तो मैं ये मानता हूँ कि आप सफल हैं जी। त्रिवेदी जी, जाते जाते हम जानना चाहते हैं दर्शकों को आप प्रेरणादायक उद्बोधन संबोधन, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, शायरी करते हैं, आपका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, जाते जाते लाखों दर्शकों को आप मैसेज देते चले। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के उपलक्ष्य में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया आपने, अपना उद्बोधन दिया, वहाँ आपने सोशल मीडिया और यूट्यूबर जो बिना तथ्यों के आधार पर कोई काम करते हैं उनको आपने तीखा टिप्पणी आपने की, कुकर मुते जैसा एक शब्द यूज़ किया, कुछ लोगों को पिंच भी हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जगह सही थे, उन लोगों के लिए मैसेज था जो बिना तथ्यात्मक चीज़ों को रखते हुए और किसी फेक और डीप फेक न्यूज़ को प्रसारित करते हैं। देखिए, राजेश जी ने अपने वक्तव्य में एक बड़े तीन अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं, तथ्य, कथ्य और सत्य जी। ये तीन चीज़ों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद सही, मैंने आपसे पहले कहा ना कि सही तस्वीर पेश करनी चाहिए, हर चीज़ की सही तस्वीर पेश होनी चाहिए। तो अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और रिवोल्यूशन इंडिया के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे, और आप देखते रहें रिवोल्यूशन इंडिया। सर, क्योंकि मैंने आपको नज़दीक से वो शेर व शायरी करते देखा है, जाते जाते वो प्रेरणादायक दो लाइनें, क्योंकि आप यूपी की धरती से हैं, वहाँ जो लेखनी में ताकत है, जो बोलने में जो ताकत है, जाते जाते प्रेरणादायक संबोधन, हो सकता है आपके शब्दों से लाखों व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित हो जाए। तो मैं यही कहूँगा, जितने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं और जो भी लोग पत्रकारिता में भी आने वाले या कुछ भी ज़िंदगी में आप करें, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप, आपके बाद आपके बच्चे, उनके बच्चे, आने वाली कोई भी पीढ़ी, कभी आपके काम को, आपके कृत्यों से उनको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, और वो आपको उठाकर अपराधी की श्रेणी में रख के हाशिए पर न रख दें। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो कभी कभी अगर कोई आपके पास ऐसी आसपास घटनाएं होती हैं, समाज में कोई कुरीति है, कुछ गलत चीज़ है, तो उसको देख करके तटस्थता के साथ आंखें न बंद करें, आंखें खोलें और उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं जी। बहुत बहुत आभार माननीय श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, आपका बहुत हृदय से आभार। और जाते जाते मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ, जैसे कि माननीय श्रीवर्धन त्रिवेदी जी ने कहा, आप पत्रकारिता को निर्भीकता के साथ, सत्य के साथ, अडिगता के साथ आप खड़े होकर आप करें, तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता का भविष्य भी सुनहरा है और पत्रकारों का भी भविष्य सुनहरा है। देखते रहिए रिवोल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।